भैया सी वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जाके एक बार चेक कर लेना। वो जो लिंक है वो अगर आप मतलब वो वीडियोस देख लेते हैं तो फिर मतलब आपकी तैयारी FCI की हो जाएगी, लेकिन उसको 2 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आप फेज़ 1 में 100% 25 में से 25 मार्क्स GS में स्कोर कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने सुबह सुबह, बिकॉज इट्स अ न्यू डे फॉर मी। कल रिजल्ट आया था IBPS PO का, और धुन सोच रहा था खुद को चैलेंज करूं। 5 डिग्री हो रहा है, टाइम फ्रीजिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन करेंगे आज। बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर जाना है। फाइनली आ चुके हैं प्रताप स्टेडियम, जो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी 2 किलोमीटर वापस घर पे जाना है। चलो ये क्या कर रहा है। हेलो, थोड़ा सोचा कि बाकी रनिंग भी कर लेते हैं एक बार। ट्रैक पे अंदर ट्रैक है रनिंग के लिए। बहुत ठंड है यार। तो आई एम बैक, अभी मैं आ गया हूँ 8 बजे घर पे वापस। पापा जो है मेरे 6:15 बजे जाते हैं, और मुझसे पहले आ गए, और डेली जाते हैं, और मैं 6:45 पे आज गया था, और डेली जाया करूँगा आपसे उनके साथ। उन्होंने बोले मेरे को अपने साथ ले जाएंगे, वो अच्छा लगता है, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जबकि बाहर अभी भी कोहरा बहुत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये सब कहानियां है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। हम वो चीज पढ़ने जिस पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़े तो बैंकिंग फाइनेंस में न्यूज नंबर 2 हमारे पास क्या थी, वो हमने आपको दिखा दिया गाइस। तो अभी 11 बजने वाले हैं, अभी मैथ करने का सोच रहा हूँ। इससे पहले 6 जनवरी जो कि आज है, उसकी मैंने GK कर ली है। अंकुश सर की मेंस की PDF जो थी वो कंप्लीट कर ली। अड्डा की जो FCI का मॉडल पेपर था, कौन से टीचर थे मुझे नाम नहीं पता उनका, वो भी कर लिया। अब सोच रहा हूँ कि अब क्या पढ़ूँ, मैथ करूँ या फिर करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारा है। नवंबर दिसंबर और अक्टूबर भी है, और जनवरी तो चल ही रहा है, तो अभी 3 महीने का कंप्लीट करना है, क्योंकि मेंस आ रहा है तो ज़रूरी है करना। पर समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि अगर उसमें एक बार पढ़ गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं पढ़ता रहूँगा करंट अफेयर्स पूरे दिन। मैं सोच रहा हूँ पहले कि मैथ ही कर लेनी चाहिए, मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी देर, कम से कम 3-4 DI हो जाएंगी तब शायद ठीक रहेगा। रीजनिंग की तो प्रैक्टिस सही चल रही है, और इंग्लिश भी सही है, बस मैथ करनी ज़रूरी है, तो मैथ को वो कर लेते हैं एक बार। सो ये DI कर रहा था मैं, इससे पहले वाली जो DI थी बहुत मुश्किल थी, तो हुई नहीं मेरे से, लेकिन मैंने ये वाली पिक करी और ये मुझसे जल्दी हो गई। अभी बहुत थक गया हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं आधे घंटे का रेस्ट लूँगा, और जो वीडियो मैंने अभी तक बनाई है वो सारी एडिट करूँगा इसको भी मिला के। सो हेलो एवरीवन, अभी बज चुके हैं 5:49
एग्जैक्ट 5:49, और पढ़ाई करने के बाद 11:30 बजे 12 बजे तक पढ़ाई करने के बाद हुआ क्या कि मैं खाना वाना खा लिया, उसके बाद काफ़ी सारी क्लासेस भी ले ली जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, बस क्लासेस लेते रहा, फिर थोड़ी नींद आने लगी तो नाश्ता वास्ता कर लिया। अब हाल यह है कि मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है क्योंकि 2023 लग चुका है और दो एग्ज़ाम FCI और SBI क्लर्क मेंस आने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा है, मुझे शांति चाहिए बिल्कुल, सबसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, तो सब कुछ अनइंस्टॉल हो चुका है यूट्यूब और टेलीग्राम के अलावा। सो मैंने अपना कमरा भी चेंज कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कमरे में अब नए वाले कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कमरा मैंने अपना ऊपर वाला ले लिया है, पहले मैं नीचे रहता था और यहाँ तो बिस्तर है, ये अभी बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब इसको घड़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी क्या ही करूँगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, ये सब वैसा ही कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने टेबल जमाई है और ये बिस्तर जमा है। टेबल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल लगा के टेस्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं जब कर रहा होता हूँ, ये लैपटॉप, यहाँ पेन है और ये लैंप है रात को अकेले में बिल्कुल पढ़ने के लिए, तो क्या होता है कई बार लाइट चली जाती है ऊपर की, और ये पेन स्टैंड, ये मेरे 2-3 बॉबलहेड्स और ये एनिमे कैरेक्टर हमारा गोकू, साथ में ये पीछे मोबाइल स्टैंड है और कुछ नहीं, ये माउस है और इसमें अभी पानी लेके आना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक टेबल रखी है, कभी अगर ज़्यादा ठंड हुई, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है 5 डिग्री हो जाता है सुबह सुबह, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे और इसमें बैठ के पढ़ा करेंगे। भैया सी वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो जाके एक बार चेक कर लेना, वो जो लिंक है वो अगर आप मतलब वो वीडियोस देख लेते हैं तो फिर मतलब आपकी तैयारी FCI की हो जाएगी, लेकिन उसको 2 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आप फेज़ 1 में 100% 25 में से 25 मार्क्स GS में स्कोर कर सकते हैं। एक चार्जर यहाँ पर है, अगर बैठ के पढ़ना है तो एक स्विच बोर्ड ये रहा, एक स्विच बोर्ड ये रहा, और स्विच बोर्ड यहाँ आई जिससे अडेप्टर अटैच किया हुआ है, तो मैं बस पढ़ने बैठता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, और अक्टूबर कंप्लीट करनी है और दिसंबर कंप्लीट करनी है, नवंबर मेरा बहुत हल्का हल्का सा हो रखा है, तो नवंबर मुझे अफेयर्स क्लाउड से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बाकी दिसंबर और अक्टूबर मुझे याद है, जनवरी तो चल ही रहा है साथ में, नवंबर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैंने किया नहीं था अच्छी तरह से। सो रूम चेंज करने के बाद ये था छोटा सा टूर, बाकी कुछ किया नहीं है कमरे में, कुछ सजाया वजाया नहीं है, टाइम इतना है नहीं अपने पास, 15 और 14 को एग्ज़ाम है, 14 को FCI का एग्ज़ाम है, 15 को SBI का एग्ज़ाम है, और दोनों में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है मेरा, कल पता चलेगा 7 जनवरी को जब बच्चे FCI का पेपर देके आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के GS के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स में मैं स्कोर कर लूँगा, लेकिन मुझे GS की थोड़ी टेंशन है कि फर्स्ट डे जब 1 तारीख थी तब लोगों का अच्छा पेपर गया था, लेकिन अब कैसा जाएगा पेपर लोगों का, कि जिन बच्चों ने मतलब तैयारी 7 तारीख की किए, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो बस अब ये देखना है कि 7 तारीख को किस तरह का पेपर आता है, उस हिसाब से हम 14 तारीख की भी तैयारी करेंगे, दिन बहुत कम बचे हैं, सो अब तैयारी करनी है FCI की। अभी मैथ कंप्लीट कर ली और अक्टूबर का GK स्टार्ट कर दिया है, अब अक्टूबर कल कंप्लीट कर देंगे, और हर एक मंथ का 300 क्वेश्चन है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो 900 क्वेश्चन करने हैं, और हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, हिस्ट्री मैंने करी नहीं अभी तक, अभी तो सोने का टाइम हो गया, 11:30 बज गए, कल उठते हैं और फिर से रिपीट करते हैं, बाय।